चलिए, जिन बच्चों ने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं और जिन लोगों ने CUET का फॉर्म भरा है, तो बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि CUET का एक्चुअली में सिलेबस बता दो क्या है, फिर हम लोग कैसे उसकी तैयारी करें, क्या डिलीटेड आएगा या फिर नहीं। तो एक मिनट के अंदर CUET का सिलेबस जान लो, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े ही मतलब NCERT का जो सिलेबस है, जो मतलब डिलीट होने से पहले वाली बुक थी, कहने का मीनिंग क्या, जो डिलीट हुआ है वो भी आपका आएगा, बस CUET के मैथमेटिक्स का, नॉट अप्लाइड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स है, उनका यही सिलेबस है जो NCERT की बुक है, उसके सारे टॉपिक सारे जो डिलीट हुए हैं वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं और वो ही आएंगे आपके। तो सिलेबस को लेके कोई कन्फ्यूज ना हो आप कि सर ये जो डिलीट है वो आएगा या फिर नहीं आएगा, जो डिलीटेड है वो आएगा, और जो सिलेबस मैं पुरानी वाली बुक थी आपको उससे तैयारी करनी है, जो नई अभी लेटेस्ट पे बुक आई ना आफ्टर 30% रिड्यूसिंग, तो उसको मत लो उस बुक को, जो पुरानी बुक है उनसे आप तैयारी की, तो वही रखा रखा सारा सिलेबस है। और लेवल भी इसका जो एग्ज़ाम है, जो भी हम लोग ने 12th का बोर्ड दिया था उसी लेवल का है, ऐसा मत सोचो कि बहुत ही अलग लेवल का आएगा या एडवांस लेवल का आएगा, जो NCERT के रखे रखे क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जो NCERT की बुक है वो कॉमन है। अब कोई RD शर्मा से तैयारी करता था, कोई RS से, कोई KC सिन्हा से, कोई ML अग्रवाल से, वो सब अलग है, लेकिन कॉमन बुक कौन सी है, तो वो NCERT है और NCERT एग्जाम्पलर है, तो उसको आप तैयार करिए, उससे बाहर सिलेबस कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। और जो आपका पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी, सेक्शन है ये सेक्शन ए सेक्शन बी, इसमें 15 questions हैं, 15 questions आपके हैं इसमें, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं, 15 के 15 questions आपको करने हैं। सेक्शन बी में 35 questions मिलते हैं आपको, 35 questions मिलते हैं, जिसमें से 25 करने होते हैं आपको, तो 10 आपके ऑप्शन में होते हैं, और आपके ये सारे क्वेश्चन 5-5 number के होते हैं, करेक्ट करने पे आपको 5 number मिलेंगे, और कोई क्वेश्चन गलत करने पे आपका -1 मतलब एक नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग है, 1/5 के 1/20 क्या बोल सकते हो, तो एक क्वेश्चन सही किया तो 5 number और एक क्वेश्चन गलत किया तो -1 मतलब आपके 4 number हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। और सारा ही जो आपके क्वेश्चंस हैं ये MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके, तो इसमें कोई भी रिटन नहीं है आपका, 200 number का आपका मैथ्स का है पूरा, तो यही सिलेबस है। देखो अब यार इस सिलेबस को अगर मैं लिख के दिखाऊँ कि जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन भी है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आपके लिए ही वीडियो लेंदी होगा, एक मिनट के अंदर समझो, NCERT की पुरानी बुक उठाओ और लग जाओ तैयारी को, कोई अलग से बुक की ज़्यादा मत भागना इधर उधर, NCERT से बेस्ट क्वेश्चन ही आते हैं।